لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله सब्सक्राइब करें मेरे चैनल सैयद साद कादरी को और बेल आइकॉन दबाएं मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बेनमाजी से मेरी मुलाकात हुई। मैंने उससे पूछा कि तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ते। कहने लगा मैं नमाज नहीं पढ़ता, मानता हूँ पर दुरूद पढ़ता हूँ। मैंने कहा अल्लाह के बंदे, दुरूद पढ़ना अच्छी बात है, मुस्तहबात में से है, लेकिन नमाज तो फर्ज है। जिस शख्स पर तुम दुरूद भेज रहे हो वो जात मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है और उसी जात पाक ने नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है। क्या तुम कुरान नहीं पढ़ते? क्या तुम हदीस नहीं पढ़ते? अपने रब को क्या मुंह दिखाओगे? वहां तो पहला सवाल ही नमाज का है। खैर बहरहाल उस शख्स के ऊपर उस बात का कितना असर हुआ ये मैं तो नहीं जानता, मेरी तो एक सरसरी सी मुलाकात थी। लेकिन कहने का मकसद है कि इस तरह के और भी लोग होंगे जो दूसरी चीजों में तो बहुत काम करते हैं लेकिन फराइज में कोताही करते हैं। मिलाद मनाना नहीं भूलते पर नमाज नहीं पढ़ते। मुख्तलिफ चीजें करते हैं और ऐसे करते हैं कि अगर नहीं करेंगे तो गोया दीन का कोई फरीजा छूट गया है, लेकिन दीन के फराइज को पूरा नहीं करते। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अफसोस की बात है कि कितने मुसलमान मस्जिदों के अतराफ रहते हैं पर नमाज नहीं पढ़ते। चलो वो होंगे ना जो मस्जिद जाके नहीं पढ़ते होंगे, चलो घर में तो पढ़ लो, घर में भी नहीं पढ़ते। टीवी देख रहे हैं, मैच देख रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं, मूवियां देख रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, नमाजें नहीं पढ़ते। उस रब की तमाम नेमतों को तो इंजॉय करते हैं और नेमतों में जरी सी कहीं कमी आ जाए तो शोर भी मचाते हैं, पर उस रब की इबादत नहीं करते जैसा कि उसकी इबादत करनी चाहिए। और नमाज तो मेरा भाई ऐसी चीज है जो कायम करनी है, सिर्फ पढ़नी नहीं है, कायम करनी है। अल्लाह के घरों को इन इबादत से आबाद करना है। सिर्फ साल में एक दफा लाइटें लगा के मस्जिद में जमा हो जाना, ये क्या है? किसको बेवकूफ बनाते हो? अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अपनी नमाजों की फिक्र करो, अपनी आखिरत को संवारो। ये उन अव्वल सवालात में से है जो तुमसे किए जाएंगे। और नमाजी का तो आलम यह होगा कि जब कब्र में उसे आके उठाएंगे फरिश्ते कि चलो उठो अब सवाल का वक्त है, तो वो आंखें मलते हुए उठेगा। उसको यूं मालूम होगा कि गोया सुबह का वक्त है, तो कहेगा फरिश्तों से जरा हटो मैं नमाज पढ़ लूं कहीं नमाज ना रह जाए। वो कहेंगे अब नमाज का वक्त खत्म हो गया, अब सवाल जवाब का वक्त है। अल्लाहु अकबर। जिसको यहाँ नमाज की फिक्र है उसको वहां भी नमाज की फिक्र है, जिसको यहाँ नमाज की फिक्र नहीं उसे वहां भी नमाज की फिक्र नहीं होगी, और जिसे नमाज की फिक्र नहीं होगी उसका अंजाम क्या होगा? अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। आप कुरान उठा के देखें, जन्नत वाले जहन्नुमियों से पूछेंगे मसलककुम फी सकर, तुम जहन्नुम में क्यों पड़े हो, ऐसा क्या काम कर दिया था तुमने? तो वो कहेंगे लम नकुम मिनल मुसल्लीन, हम नमाज पढ़ने वालों में से ना थे, हम नमाजें नहीं पढ़ते थे। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तहिया करो आज से कि नमाज नहीं छोड़ूंगा, अपने रब की इबादत करना नहीं छोड़ूंगा, और जहां तक मुमकिन हो मस्जिद में जाके बाजमात नमाज अदा करूंगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो दिए गए ईमेल एड्रेस पर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। इसी तरह आप हमारे ट्विटर के अकाउंट को ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और फेसबुक पर भी आप हमारे एक से ज़ायद पेजेस हैं, एक इंग्लिश में एक उर्दू में, उन्हें फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई सवाल है तो आप यूट्यूब पर भी पूछ सकते हैं और इन और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म
अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल के आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके और आप हमें हमारे लाइव सेशंस में भी ज्वाइन कर सकें। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।